चलो दीदी आपको रूम में लेके चलते हैं। ओए इनको क्या हो गया? पता है ना बीपी की प्रॉब्लम है, बस उसी की वजह से इनको चक्कर आ गए हैं। हाँ? आप लोग बैठो, मैं इनको ऊपर छोड़ के आती हूँ। रात का खाना तो यही बनाने वाली थी ना? अरे रे कोई बात नहीं भाभी, आप लोग एक घंटा आराम कर लो, उसके बाद खाना बना लेना। अरे नहीं नहीं नहीं, वो एक घंटा नहीं, ये कम से कम पूरी रात लेंगी, तो आपको बाहर से ऑर्डर करके खानी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम पक्का ये बना देंगी। चल भाई मुझे ना फिर जाना है, कुछ काम भी है, तुम ध्यान भी रखो इनका, हम तो निकलते हैं। अरे दीदी। ओ दीदी एक्टिंग बंद करो, चले गए मेहमान। तो देख तो लो सही से चले गए नहीं चले गए? चले गए, चले गए। हटो यहां से। बहुत एक्टिंग कर ली इन्होंने, 100 रुपए काट इनके। दादी ओवर एक्टिंग करती है। वैसे रात का खाना बनाएगा कौन? दीदी चार जनों के लिए तो बनाना पड़ेगा आपको। हाँ मम्मी को बता दूं? हर बात में मम्मी क्यों ले आती हो बीच में? अरे वो ठीक कह रही है, ये बना देगा। हाँ ठीक है यार, ये फंसा देती है। तू इधर। क्या अपनी सास से इतनी डरती क्यों है? कितना डरा के रखती तुझे क्या पता, तेरी शादी होगी तो पता चलेगा तुझे। तू तो ऐसे डर गई जैसे पता नहीं क्या हो गया, और भाई से खाना बनवा रही है अपने। चल मैं साड़ी चेंज करूँ, बहुत पक चुकी उसको पहनकर।